नमस्कार, मैं नीता देवलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में जो आज का हमारा अभ्यास है वह फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की ओर झुकने वाला आठवां आसन पश्चिमोत्तानासन है। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों पैरों को मिलाकर आपको कमर को सीधी कर शरीर को खींचते हुए इस प्रकार से बैठना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके शरीर को जितना आप खींच सकते हैं। अपने अंगूठों को इस प्रकार से पकड़ के रखेंगे। हठ प्रदीपिका में जो अंतिम स्थिति का वर्णन है उसमें आप अपने अंगूठों को पकड़कर अपने माथे को सिर को पैरों से लगा लेंगे घुटनों से इस प्रकार से। और अंतिम स्थिति में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, 30 से 40 सेकेंड भी जितना संभव हो सके। श्वास छोड़ते हुए अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास अभ्यास पूर्ण होने के बाद श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर देखेंगे। पुनः हाथों को एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए बस श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आएंगे। पैरों को फैलाकर कंधों के बराबर दूरी रखें, ढीला छोड़ दें यहीं से। अभ्यास करते हुए आपको यह सावधानी रखनी है, अभ्यास को झटके से ना करें। जिन्हें किसी प्रकार की स्पाइनल इंजरी, सीवियर बैक पेन, ऐसी किसी प्रकार की गंभीर समस्या है तो वह आगे झुकने वाला अभ्यास या पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास ना करें। आप इसके कुछ लाभ भी जान लीजिए। अभ्यास कर यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो यह अभ्यास आपके समस्त रोगों का नाश करता है। हर प्रतिभिका में जिसका वर्णन किया गया है यह आरोग्यता प्रदान करता है। सभी रोगों को हरने वाला अभ्यास जो आपके प्राण का संचार सुषुम्ना में करता है, साथ ही साथ जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जठराग्नि पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह कुछ सामान्य लाभ इस प्रकार भी हैं। यह आपके बैली फैट को, पेट की चर्बी को, कमर की चर्बी को कम कर आपकी कमर पर खिंचाव उत्पन्न कर उसे लचीला बनाता है। यह अभ्यास आपके पैरों की मांसपेशियों पर खिंचाव उत्पन्न करके मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कमर पर व पैरों पर रक्त के संचार को बढ़ाता है। यह अभ्यास उदर संबंधित रोगों के लिए भी अच्छा अभ्यास है। मधुमेह के लिए, कब्ज के लिए व पाचन तंत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार हमने पश्चिमोत्तानासन के लाभ जाने,